types of chemical reaction, types of chemical reaction. इसमें देखेंगे आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में कितने प्रकार की हैं और प्रत्येक का एक एक या दो दो उदाहरण हम इस तरीके से सीख लेते हैं जो आगे चल करके हमें फिट हो जाते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स या साइंस को अच्छे से पढ़ने के लिए पूरा माइंड कंसंट्रेट करना चाहिए और यहीं पर बोर्ड पर जब कार्य करते हैं तो पूरा माइंड बोर्ड पर कंसंट्रेट करके बैठते हैं ताकि हमें हर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता चले। फर्स्ट है इसका एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन के बारे में सीखेंगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब कोई दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में ऐड किए जाते हैं तो एक मुख्य प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो दोनों रिएक्टेंट्स के ऐड करने के बाद प्राप्त होता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। सबसे सरल एग्जाम्पल है C+O2। इधर का रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन है, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है हमारे पास CO2। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो सीधा सीधा CO2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम अगला एग्जांपल सीखेंगे, हम कैल्शियम ऑक्साइड स्टार से प्रदर्शित कर लेते हैं। 10th की क्लास बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं इसे। कैल्शियम ऑक्साइड नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे दूसरे नाम से और जानते हैं, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, यदि इसको जल के साथ रिएक्ट करते हैं, मार्केट से जब हम कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना लेकर के आते हैं और ये इसका जो कार्य है वो बिल्डिंग पर पेंटिंग करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम पानी के संपर्क में लेकर के आते हैं तो इसमें से ऊष्मा निष्कासित तो होना प्रारंभ हो जाती है और रिएक्शंस किस तरीके से होती है इसकी उसके बारे में हम सीखेंगे। हम जानते हैं ये अपनी बॉन्डिंग को तोड़ना प्रारंभ कर देता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऑलरेडी ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस होते हैं तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव बेस आपके पास, ये नेगेटिव बेस सीधा अटैक करते हैं हाइड्रोजन एटम्स पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु दोनों ही ऐड होकर के OH नेगेटिव आयन बनाने की क्षमता रख लेते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को विस्थापित कर देगा, फिर भी एक नेगेटिव चार्ज शेष रह जाता है। अब यही कैल्शियम इस OH ग्रुप के साथ अटैक करता है और दूसरे OH के साथ भी अटैक कर देता है और बनने वाला फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल ग्रुप, यानी इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे जानेंगे बुझा चूना, इसे बुझा चूना के नाम से और जानते हैं। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शंस के दो एग्जांपल एडिशन रिएक्शन के। एक इसका बेस्ट एग्जांपल और सीख लेते हैं जिसे स्टार से शो करेंगे। हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, ऐसा कंपाउंड्स लेते हैं जिसके मध्य में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो एथीन लेते हैं, एथीन आयु की सी नेम
सीखेंगे एथ दो कार्बन परमाणु, ईएन डबल बॉन्ड, बाकी का रह गया हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस करते हैं, कार्बन की बैलेंस चार कर लेंगे, किस तरीके से गिनेंगे, एक दो तीन और एक चार, इधर वाले कार्बन को छिपाने से उस कार्बन परमाणु की बैलेंसिंग को चार स्पष्ट नजर आ रही है, एक दो तीन चार, इधर देखेंगे अब हम इसको छिपाने का प्रयास करते हैं तो इधर गिनेंगे एक दो तीन चार, फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ज्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे कुल मिलाकर के लिख सकते हैं C2H4। अब इसके मध्य में जो डबल बॉन्ड है वहां पर एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो बॉन्ड है वो आपका पाई बॉन्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल करके सीखेंगे, कार्बनिक रसायन में सीखेंगे, जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वहां पर आपको ऑलरेडी पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है देन सिग्मा बॉन्ड, इस कारण ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, और H2 को जोड़ने के लिए निकिल कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं। एक H को हम ऐड कर देंगे पाई बॉन्ड को कार्बन के साथ, दूसरा H आक्रमण कर देता है दूसरे कार्बन से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से ये बॉन्ड यहां से विघटित हो जाता है, आगे बन जाता है आपका CH3। CH2 पहले से था, एक H आकर के और ऐड हो गया CH3, अब यहां पर केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH3। दूसरा H परमाणु भी हम ऐड कर देते हैं, अब हम इसे और शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं C2H6, जिसका नाम होगा एथेन। तो ये रिएक्शंस आपके पास एडिशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल था। और भी इसके पास हम एग्जांपल सीखेंगे, वो एग्जांपल क्या है इसी कैटेगरी में, यदि हम एक ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं या हम कल वाला एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सीखते हैं। सोडियम या पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम ये मेटल्स ऐसी हैं, यदि इनको खुली हवा में छोड़ देते हैं या जल के संपर्क में भी आ जाती हैं तो तीव्र ज्वलनशील हो जाती है, ये स्वतः ही आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनके जो टेम्परेचर होते हैं वो रूम टेम्परेचर 0°C से भी लोअर होते हैं। पोटेशियम को यदि जल के संपर्क में लेकर के आए, जल के संपर्क में लेकर के आते हैं, पोटेशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में लेकर के आए, ऑक्सीजन के संपर्क में लेकर के आते हैं तो हम जानते हैं एक ऑक्सीजन पर कुल नेगेटिव बेस 2, यहां पर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव बेस हमारे पास 2, तो दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव बेस की संख्या हो जाएगी 4, पॉजिटिव के पर सिंगल, चार हमको पॉजिटिव करने पड़ेंगे तो हम 4 का मल्टीपल कर देते हैं, ये के सीधा सीधा ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है और बन जाता है आपका पोटेशियम ऑक्साइड। यहाँ पर के की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो हम सिस्टम से लिखने के लिए इसको कर देते हैं 2K2O। अब इसी K2O का नाम भी रख लेते हैं, के आपका है पोटेशियम ऑक्साइड। समीकरण सॉल्व करने का आसान तरीका हमारे पास है उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव बेस को सिस्टम से ध्यान में रखते हुए समीकरण को हम बैलेंस कर लेते हैं। अब इसी पोटेशियम ऑक्साइड को यदि यहां पर भी ये एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है, प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट को रिएक्टेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है। अब इसी प्रोडक्ट को उठा करके जल के साथ रिएक्ट करते हैं K2O प्लस जल इज इक्वल, हम जानते हैं
जल H पॉजिटिव आयन में टूटता है और OH नेगेटिव आयन में टूटता है। K की बात करते हैं तो पोटेशियम दो है हमारे पास, दो एटम्स हैं, पॉजिटिव बेस हमारे पास दो हो जाएंगे, नेगेटिव बेस भी दो हो जाएंगे। ये नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस पर आक्रमण कर देगा, अब यहाँ पर भी OH बनकर के तैयार हो जाएगा। यही पोटेशियम इस OH पर आक्रमण कर देगा और इसी पर फिर पुनः आक्रमण कर देगा। बनने वाला फॉर्मूला होगा आपके पास 2KOH, जो एक क्षार के नाम से जानेंगे। ये हमारे पास एक बेस है जिसे हम क्षार के नाम से जानते हैं। टेंथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्षार से कई एक रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगे। नाम लिख देते हैं इसका, के लिए पोटेशियम, OH के लिए हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये तो तमाम एग्जांपल हमने सीखे एडिशन रिएक्शन के, योगात्मक अभिक्रिया के। अब आगे चल करके सीखेंगे वियोजन अभिक्रिया। सेपरेशन रिएक्शंस, रिएक्शंस के बारे में, यानी वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन अभिक्रियाएं? वियोजन अभिक्रियाएं ऑलरेडी जब किसी एक ही प्रोडक्ट्स को गर्म करते हैं तो उसमें से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बाहर की तरफ विस्थापित होते हैं तो उन्हें वियोजन रिएक्शंस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल सीखेंगे, यदि हम फेरस सल्फेट लेते हैं और इसी एग्जांपल पर डेफिनेशन बनाने का भी सटीक प्रयास करेंगे और वही डेफिनेशन हमारे लिए मान्य होगी। फेरस सल्फेट, फॉर्मूला है फेरस Fe2 पॉजिटिव सल्फेट SO। यदि फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही गैसें विस्थापित होती हैं। और ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सीखेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट से, जब डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम जानते हैं SO4 पर 2 नेगेटिव बेस, Fe2 पॉजिटिव बेस। जब इसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये ट्रिपल पॉजिटिव में टूट जाता है, और जब ट्रिपल पॉजिटिव में टूटता है, यही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं से हम रिएक्शन करना सीखेंगे, आगे चल करके रिएक्शन बहुत ईजी हो जाती है इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग। Fe2 पॉजिटिव है और जब भी आयरन को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो इसके बेस बदलना प्रारंभ हो जाते हैं, टू पॉजिटिव से ट्रिपल पॉजिटिव, और जब ट्रिपल पॉजिटिव में चले जाएंगे तो इसके साथ हम ऑक्सीजन को ऐड करना चाहते हैं, ऑक्सीजन SO4 में से विस्थापित हो जाता है। जब ऑक्सीजन को ऐड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस। अब इन दोनों को आपस में सेट करने का एक सिस्टम सीख लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका सीख लेते हैं। हमारे पास जो भी विषम संख्या दी जाती हो हम उसे सम संख्या में बदलने का प्रयास कर लेते हैं। यदि इसमें 2 का मल्टीपल हो जाए तो 6 पॉजिटिव हो जाएगा, 6 पॉजिटिव हो जाएगा तो अब ये समीकरण, ये इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी और वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हमारे पास सक्षम बस सकुशल समझ में आ जाएगा। सीखते हैं FeSO4, 2 का मल्टीपल करने के लिए हम एक बार फिर लिखते हैं FeSO4 इज इक्वल टू, इसको हीट अप करते हैं, Fe2 पॉजिटिव में था उधर ले जाएंगे तो ट्रिपल पॉजिटिव में हो जाएगा Fe2, जब ट्रिपल पॉजिटिव में हो गया तो 6 पॉजिटिव चार्ज इसके पास हो जाएंगे। अब इनको ऑक्सीजन के साथ ऐड करना है, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस, अब 6 पॉजिटिव को सेट करने के लिए 6 ही नेगेटिव चाहिए तो हम 3 का मल्टीपल कर देते हैं, 6 नेगेटिव बेस हमारे पास क्लियर आ जाएंगे Fe2O3।
फेरिक आयरन ऑक्साइड, ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो चुका है प्लस। अब जो शेष बच गया, हम तीन ऑक्सीजन को विस्थापित कर चुके हैं, तो यहां पर दो ऑक्सीजन यहां से विस्थापित हुए, एक ऑक्सीजन यहां से हुआ है, तो जो शेष बच गया वो यहां पर SO2 प्लस। एक ऑक्सीजन यहां से विस्थापित हो चुका है, वियोजित हो चुका है, जब एक यहां से वियोजित हो चुका है तो शेष बच गया आपका SO3। इनके नाम भी याद कर लेते हैं। टेंथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसके रासायनिक समीकरण लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो अब इसे तैयार करके चलेंगे। इसका नाम सल्फर डाई ऑक्साइड, इधर रहेगा आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं चल करके। इंपोर्टेंट लेड नाइट्रेट, यदि लेड नाइट्रेट को लेते हैं, लेड नाइट्रेट को लेते हैं तो लेड नाइट्रेट, लेड का फॉर्मूला हमें सिंबल मालूम होना चाहिए। जब लेड का सिंबल मालूम होगा तो हम फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं लेड पी। नाइट्रेट का भी फॉर्मूला, नाइट्रेट जो ग्रुप होता है उसका फॉर्मूला भी हमको कंफर्म मालूम होना चाहिए, NO3। हम जानते हैं लेड टू पॉजिटिव बेस, नाइट्रेट सिंगल नेगेटिव बेस। अब इन दोनों को फॉर्मूला बनाने के लिए हम ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के लिए टू पॉजिटिव बेस सिंगल नेगेटिव बेस के साथ ऐड नहीं हो सकता है, तो टू का मल्टीपल कर देते हैं। जब 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो नेगेटिव बेस की संख्या भी 2 हो जाती है, और जब नेगेटिव बेस की संख्या 2 हो जाती है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। फॉर्मूला आपका बन करके तैयार हो गया लेड नाइट्रेट। जब यहां पर लेड नाइट्रेट बन करके तैयार हो गया है तो अब ऐसी कंडीशन में बात की जाए तो यहां पर इसको यदि गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो हम जानते हैं Pb2 पॉजिटिव बेस सिंगल ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर सकता है और तुरंत बदल जाता है PbO, जिसका नाम रख देते हैं लेड ऑक्साइड प्लस। अब शेष बच गया, यहां पर NO3 निकल चुका है तो शेष बच गया NO2 प्लस। अब यहां पर जो बचा हुआ है वो NO3, NO3 को हम पूरा पूरा विस्थापित नहीं कर सकते हैं, पूरा पूरा वियोजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा निकालेंगे तो उस पर एक सिंगल नेगेटिव बेस रहेगा, और बेस न रहने के कारण यदि हम इसमें से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो NO2 लिख सकते हैं। जब NO2 लिख सकते हैं तो हम यहीं पर कर देंगे 2NO2। अभी भी यहां पर एक ऑक्सीजन शेष बचा हुआ है, हम O2 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं हाफ O2। इंपोर्टेंट रिएक्शंस थी और ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लेड नाइट्रेट को यदि गर्म किया तो हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त हुई। एक और एग्जाम्पल इसी के आधार पर सीख सकते हैं, जो है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट थर्ड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, फॉर्मूला बनाने का तरीका सीखते हैं। कैल्शियम सिंबल मालूम होना चाहिए, सिंबल है आपका Ca, कार्बोनेट ग्रुप मालूम होना चाहिए कार्बोनेट CO3। हम जानते हैं एक Ca पर 2 पॉजिटिव बेस, तो कार्बोनेट ग्रुप पर भी 2 नेगेटिव बेस होते हैं, मल्टीपल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपके पास समान अवस्था में है, सीधा सीधा हम ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को यदि गर्म कर दिया जाए तो हमारे पास शेष बचता है सी ए टू पॉजिटिव बेस, एक ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं, इधर हो जाएगा आपका सी ए ओ प्लस, जो शेष बचा है उसे लिख सकते हैं सी ओ टू। अभी अभी सीख करके चले थे, ये फॉर्मूला आपका था बिना बुझा चूना। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, दरअसल एग्जाम में पूछते बिना बुझा चूना बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, तब भी यही समीकरण हम दे सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हमको प्राप्त होती है। इससे आगे अगले जो समीकरण होंगे उन्हें नेक्स्ट कर देते हैं। आगे एक और रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, थर्ड छोटा सा है विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? अब इसमें ये देखेंगे, एक मेटल्स या एक रिएक्टेंट्स जब दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शंस करता है, एक मेटल्स या एक रिएक्टेंट्स दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट होता है तो प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ में एक ऐसा रिएक्टेंट्स के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में एक ऐसा मेटल भी विस्थापित होता है या एक ऐसा मॉलिक्यूल भी विस्थापित होता है जो बाय प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है। हम इसका एग्जांपल सीखेंगे, यदि हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक। अब ये रिएक्शन इसमें किस तरीके से, कौन किसको विस्थापित करेगा? हम जानते हैं ZN पर 2 पॉजिटिव बेस, अभी अभी सीख करके आए थे SO4 पर 2 नेगेटिव बेस, मल्टीपल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव दोनों ही SO4 को विस्थापित कर देंगे। लिख सकते हैं फॉर्मूला ZN SO4 प्लस Cu, ZN SO4 प्लस Cu, ZN कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को विस्थापित कर रहा है। अगली रिएक्शंस, इसका रीजन जो है मुख्य रीजन एक विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आगे चल करके पढ़ेंगे पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है। यदि कोई प्रबल सक्रिय धातु है तो वो दुर्बल सक्रिय धातु को उसी के सॉल्यूशन में से विस्थापित कर देती है, ये इसका मुख्य कारण। यदि हम यहीं पर क्या करते हैं, जिंक सल्फेट लेते हैं, ZN SO4 प्लस, इसी में फिर कॉपर डालने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं जो सॉल्यूशन बनकर के तैयार हुआ हुआ जो प्रोडक्ट हमारे पास वो जिंक सल्फेट है, यहां पर ZN जो है वो एक कॉपर की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग मेटल है, जब स्ट्रॉन्ग मेटल है प्रबल सक्रिय है एक्टिव है तो अब ऐसी कंडीशन में कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर सकता है, तो सीधा सीधा कर देते हैं नो रिएक्शन। हमारे पास शेष हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अगला एग्जांपल इसी के रूप में सीखते हैं, यदि इसी जिंक सल्फेट को लेते हैं, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराते, बात सोडियम की जाए तो सोडियम एक एक्टिव मेटल होता है जिंक की अपेक्षा। अब ये रिएक्शन किस तरीके से करता है, अभी सीख रहे हैं SO4 पर 2 नेगेटिव बेस, Na सिंगल पॉजिटिव बेस, जब Na पर सिंगल पॉजिटिव है SO4 पर 2 नेगेटिव है तो मल्टीपल करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर 2 नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव को नहीं हटा सकता है, 2 का मल्टीपल कर देते हैं। अब ये सोडियम सीधा सीधा SO4 के साथ ऐड हो जाता है, हम इसको इस तरीके से लिखें ना तो सोडियम को डिस्टर्ब हो और ना ही सल्फेट ग्रुप डिस्टर्ब हो, किस तरीके से लिखेंगे Na2SO4, फॉर्मूला का नाम रख देते हैं Na के लिए सोडियम और SO4 के लिए
सल्फेट। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इस टाइप के सीख लेते हैं जो आगे चल करके बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है। कल मिलते हैं।